So very good morning. Welcome you all. Today we are discussing our part 2 of exercise 7.1. Fine. Part 1 में हमारे 3 questions complete हो चुके थे. And today I am going to start with our part 4. So sorry. Second part, 4th question. So let's start. It is a NCERT question. Check whether they are the vertices of the isosceles triangle or not. They are saying there are 3 vertices. And they are forming a triangle. These are 5, -2. Second is 6, 4. Third is 7, -2. They are the 3 vertices of a triangle. Now we have to check whether it is forming an isosceles triangle or not. Now we all know to make it an isosceles triangle, हमारी दो sides equal होनी चाहिए. ठीक है, हमें पता है isosceles होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो साइड्स जो है वो इक्वल चाहिए. अब दो साइड्स इक्वल करने के लिए हम क्या करें, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी ए सी बी सी तीनों निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि आइसोसेलेस है या नहीं है. तो हम सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं. हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, दिस इज x2 - x1² प्लस y2 - y1² मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले y के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप x1 और y1 मतलब x1 और x2 आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. मान लो मैंने इसको x1 y1 लिया, आपने इसको x1 y1 लिया, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. डिफरेंस को स्क्वायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्लस 2 आए तो भी 4 आएगा, -2 आए तो भी 4 आएगा, और दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस तो वैसे ही कॉम्यूटेटिव होता है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. जब मैंने ए बी निकाला तो ए बी मैंने कैसे निकाला, 5 - 6² प्लस -2 - 4² ये हो गया. करो जरा आंसर निकालो इसका. ये क्या हो जाएगा, ये होगा -1² और ये होगा -6² ऑब्वियसली √37 आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 36. तो ये क्या आ जाएगा, √37 यूनिट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसे यूनिट क्या लगाते हैं, यूनिट्स लगाते हैं. ये आ गया, कैलकुलेट कर लो, बीसी कैलकुलेट कर लो. बीसी कितना आ गया, 7 - 6² और -2 - 4² तो अगेन ये वही वाली कंडीशन बन रही है, 1² और -6² तो ये हो जाएगा 1 + 36 दैट इज √37 यूनिट. डन, ये भी हो गया. इसके बाद में आप देखो, हालांकि कई बच्चे सोचेंगे दैट इट्स एनफ, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बी एंड बी सी, ये दोनों इक्वल आ गए तो ये तो आइसोसेलेस हो गया. नहीं, हो सकता है ए सी जो है वो भी इक्वल आ जाए, देन इट वुड बी कॉल्ड इक्विलेटरल नॉट आइसोसेलेस. सो यू हैव टू चेक वेदर ए सी इज इक्वल और अनइक्वल. तो दोबारा से ए सी में भी फॉर्मूला लगाओ, दिस वुड बी 7 - 5² एंड 2 + 2² तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. जैसे कोई आंसर जीरो आता है ना, पहले उसको ध्यान से कर लिया करो, उससे क्या होता है कि गलती नहीं होती, वरना कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं वो कैलकुलेशन करना. तो ये आंसर आ गया 2 यूनिट्स. तो आप लिख सकते हो एज ए बी इज इक्वल टू बी सी बट इट इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर डेफिनेटली इट इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से चीजों को टैकल करना है. फाइन, सो इट इज अ क्लियर केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बनानी है डायग्राम पूरा, जैसे जो ग्राफ पेपर होता है उस पर बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो आप सिंपल भी कर सकते हो. जैसे कि मैंने क्वेश्चन करा एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, नाउ आई डोंट हैव ग्रीन पेपर ओवर हियर, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स देख लिए. मैंने बोला ए कहीं पर यहाँ पर है, फिर बी इज ओवर हियर, सी इज ओवर हियर एंड डी इज ओवर हियर. फाइन, सो यूजिंग द टेक्स्ट बुक आई कैन क्लियरली गेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. ए इज 3, 4, बी इज 6, 7. फाइन, आराम से इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात हो ना इसमें. सी इज 9, 4. ठीक है,
9.4 आ गया एंड डी इज 6.1। आपको आराम से पता है, आपने 9th में भी कोऑर्डिनेट करी हुई है, आपको पता है किस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं। अगर नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर द रिवीजन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 9th। वीडियोज आर अवेलेबल, पहले आप 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिर्फ एक बार देख लो वीडियो, तो आपको वो सारा रिवीजन हो जाएगा कि पॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं वगैरह, तो उसे थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, फिर आप आराम से कर लोगे। अब वो बोल रही है, फोर फ्रेंड्स हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब चमेली बोल रही है नहीं, चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली मना कर रही है। ठीक है, तो अब तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना है कि दोनों में से कौन सही बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है स्क्वायर होने के लिए, टू बी अ स्क्वायर, देखो कंडीशन क्या चाहिए हमें, टू बी अ स्क्वायर कंडीशन चाहिए ऑल साइड्स इक्वल, सारी की सारी चारों की चारों साइड्स इक्वल चाहिए, प्लस जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल चाहिए। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगनल्स रेक्टेंगल, ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस, ऑल साइड्स प्लस डायगनल्स इक्वल स्क्वायर। आपको ये सारी चीजें 8th में पढ़ाई गई थी, 8th की जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट पेज पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी गई है, जो क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर है उसमें आपको यही पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये 6 चीज जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैंने निकाले ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लिख ही लेंगे, अब ए बी करा मैंने, तो 6-3 का स्क्वायर प्लस 7-4 का स्क्वायर, तो बताओ कितना है ये, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 18 इज 3√2। चलो बी सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक एक लाइन में करते जाओ ताकि कुछ भूलो भी ना और आराम से हो जाए। तो ध्यान से देखो, ये भी दोबारा क्या आया, ये बेसिकली 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, फर्क कुछ भी नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर वही आएगा। फिर सीडी पे आ जाओ, मैं सीक्वेंस में इसलिए करती हूँ ताकि मेरा कुछ ना कुछ मिस ना हो जाए। अब ये 6-9 हो गया, 1-4 हो गया, इसमें दोनों माइनस ही आएंगे तो भी फर्क क्या पड़ेगा, आंसर तो 9 ही आएगा और फिर आंसर 3√2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3√2। फिर उसके बाद में एडी, एडी करने के लिए 6-3 का स्क्वायर प्लस 1-4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये तो आंसर आ गया 3√2। तो साइड्स तो इक्वल आ गए, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस हो सकता है। ये रोम्बस कैसे हो सकता है, क्योंकि साइड्स इक्वल है। तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, अब मुझे डायगनल्स इक्वल चेक करने पड़ेंगे। तो मैं अगर इसको बीडी को ज्वाइन करूं तो मेरा जो बीडी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट 6-6 का स्क्वायर और 1-7 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0 और -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। ऐसे निकालो एसी, अगर मैं एसी कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा मेरा 9-3 का स्क्वायर और 4-4 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, सबके आगे यूनिट्स लगा लेना। तो इसमें क्या पता चल गया, एज साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड डायगनल्स भी आपस में इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो कौन करेक्ट है, किसने कहा था, चंपा ने कहा था चमेली को कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज द स्क्वायर, तो हाँ ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो चंपा थी उसने करेक्ट बोला, चंपा वॉज करेक्ट। फाइन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, कोई इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि किस हिसाब से लिखना है। जैसे अब 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन यही है, 6th क्वेश्चन में मैंने अभी जैसे आपको बताया ना क्वाड्रिलेटरल्स आपको ध्यान से देखने हैं, तो 6th क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है, क्वाड्रिलेटरल पूछे हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल किस हिसाब से पूछे हुए हैं, उन्होंने आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और बोला हुआ है कि चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको इसका कौन सा पार्ट नंबर करके दिखाऊं,
बताओ कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। लेट्स से मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ इसका, ठीक है? सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ पहले। तो मैंने क्या करा, एक रफ सी फिगर बना ली, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो -3.5, दिस इज 3.1, दिस इज 0.3, ठीक है? दिस इज -1.-4। जैसे माइनस के साइन आते हैं ना, गेट समवॉट केयरफुल, बिकॉज उसमें गलती क्या हो जाती है, क्योंकि एक साइन नेगेटिव साइन उसमें भी आता है फॉर्मूले में, तो कई बार वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो जाता है, चलो निकालो। अब ए बी जो है, ए बी का जरा अंडर रूट करके देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो क्या आ रहा है, 3 -(-3). देखो ये 3 है, ये माइनस है, बट एक और माइनस फॉर्मूले का भी आता है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 -5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, 36 + 36, 72। 72 इज 6√2 यूनिट्स, ठीक है? देखो मैंने डिटेल में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखाया है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 6√2 यूनिट्स। सॉरी सॉरी सॉरी, ये -का 4 आएगा ना इधर, ठीक है? -4 आएगा ये, तो -4 का क्या हो जाएगा, 16। तो 36 + 16 कितना हो जाएगा, 52। 52 इज लाइक 4 × 13, सो ये आपका आंसर आएगा 2√13 यूनिट्स, ठीक है? वो समझाते समझाते ध्यान उधर चला गया ना, डन। अब देखो ऐसे बीसी कैलकुलेट करके देखो, इधर निकाल लेते हैं, बीसी कैलकुलेट करके देखो। बीसी कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -0 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा, √13 यूनिट्स। ऐसे जल्दी जल्दी मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले आंसर, सीडी का आंसर कौन बताएगा जल्दी? यस, इट इज 5√2 यूनिट्स, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट एडी, जल्दी से एडी कैलकुलेट करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। -1 + 3 का स्क्वायर 4, -4 - 5 9, जल्दी बताओ, √85। ये आ गया √85 यूनिट्स। तो एज इट इज वेरी क्लियर, एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर इट्स अ जनरल कोऑर्डिनेटर, ठीक है? ये एक जनरल कोऑर्डिनेटर है, इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस नहीं है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये एक जनरल केस है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हो सकता है जनरल क्वाड्रिलेटरल है भाई, कोई चीज इक्वल नहीं है, ठीक है? जैसे अगर तुम इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अगर तुम सारे कोऑर्डिनेट्स को देखो तो ये बन रहा है 4.5, 7.6, या 4.3 and 1.2, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है? तो अब जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो बेसिकली होगा क्या, एक बार करके देखना, इसका होगा क्या, इसका इसका जो ए बी और आपका सी डी है वो आएगा √10, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएगी। ऐसे जो आपका बी सी और ए डी आएगा ऑपोजिट साइड्स, वो इक्वल आएगी 3√2 से, 3√2 यूनिट्स आएगा। और जो आपके डायगनल्स होंगे ए सी और बी डी, वो दोनों इक्वल आ रहेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, सॉरी, ए सी और ये बी डी जो है इक्वल नहीं आएगा। तो ये किसका केस हो गया, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? इस हिसाब से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बस आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है? सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, ओके? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, फाइन? एंड इन दैट वेरी पार्ट वी वुड बी कम्प्लीटिंग दिस वेरी एक्सरसाइज, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।